नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। बीस मई के दिन ही जब ब्रिटेन की पुलिस को अपराधियों और खतरनाक लोगों के खिलाफ आंसू गैस के गोले छोड़ने की इजाजत दी गई, 20 मई के ही दिन अंतरिक्ष इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना के साथ दर्ज हुआ। 20 मई 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अंतरिक्ष की तस्वीर धरती पर भेजी थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। उन्हें रोडरेज मामले में एक साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने ही पुराने आदेश को संशोधित किया। ये मामला 1988 का है। सिद्धू के हाथों पिटाई से हुई थी एक बुजुर्ग की मौत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शीर्ष अदालत ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़ा कोई आदेश शुक्रवार तक जारी न करे। दरअसल मुख्य वकील हरिशंकर जैन की तबीयत खराब होने की वजह से हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। मलिक ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूली थी। NIA कोर्ट ने मलिक को दोषी करार ठहराया। उसे कितनी सजा मिलेगी इस पर अदालत 25 मई से बहस शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जमीन पर कब्जा और ठगी मामले में मिली अंतरिम जमानत। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने ये जमानत दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की धमकी के बाद उद्धव सरकार ने औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो, इसलिए औरंगाबाद स्थित मकबरा 5 दिनों तक बंद रहेगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवाद पार्टी है, यहां जाति आधारित राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर हार्दिक ने कहा, अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी। LPG गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई। घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ। अब रसोई सिलेंडर गैस की कीमत 1,500 रुपये हो चुकी है। दिल्ली में 3 नगर निगमों का 22 मई को विलय होगा। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को संसद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इस पर मुहर लगा दी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को तगड़ा झटका लगा। राज्य के कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने दिया इस्तीफा। गोगरा CM अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। वो डूंगरपुर सीट से विधायक हैं। CNG कीमतों में बढ़ोतरी के कारण राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों का किराया बढ़ सकता है। दिल्ली सरकार की एक सीमित ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुसार ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में संशोधन के लिए सिफारिश की गई। 31 मई तक PM किसान योजना के लिए KYC कराना जरूरी। लाभार्थी चाहे तो EKYC भी करा सकते हैं। 31 मई के बाद जिन किसानों ने PM किसान खाते में KYC नहीं कराया, उन्हें भारत सरकार से 2,000 रुपये नहीं मिलेगा। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी EKYC करा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार की घर घर राशन वितरण योजना पर रोक लगा दी है। इससे पहले इस योजना को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी में तकरार देखने को मिली। दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पंजाब के सीनियर नेता सुनील जाखड़ अब BJP में शामिल हो चुके हैं। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सुनील जाखड़ को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जून 2022 सेशन के लिए उम्मीदवारों को अपना असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट में छूट दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार इग्नू TEE जून के लिए अपने असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट 31 मई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा किया है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUET परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्र कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट में शामिल होंगे और अपनी CUET PG कोर्स कार्ड के आधार पर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में PG कोर्सेज में दाखिल ले सकते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म सिटी की निविदा की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब टेंडर डालने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है और बिड खोलने की तारीख 2 जुलाई रखी गई। पंजाब की कैटरीना कैफ और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही शहनाज गिल सलमान खान की फिल्म कभी कभी दिवाली के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही है। सलमान खान ने शहनाज गिल को फिल्म के लिए मुंह मांगी रकम दी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के रीमेक बनाए जाने की तैयारी है। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म आनंद के अनाउंसमेंट के बाद लोग काफी एक्साइटेड हैं। दुनिया भर के बाजारों में मिल रहे भारी बिकवाली के संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट 1314 अंक गिरकर 52,893 पर पहुंचा। सेंसेक्स निफ्टी ने भी लगाया 399 अंकों का गोता 15,840 पर पहुंचा। असम और केरल में बारिश का कहर जारी। दोनों राज्यों के लिए अगले 5 दिन काफी अहम होने वाले हैं। केरल के 4 जिलों कोझिकोड, वायनाड, कुनूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी। अरबपति गौतम अडानी के समूह ने बड़े अस्पतालों, डायग्नोस्टिक ट्रेन और ऑफलाइन तथा डिजिटल फार्मेसियों के अधिग्रहण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में प्रवेश के लिए एक नई कंपनी बनाई। चीनी कंपनी अलीबाबा और उसके सहयोगी एनफिन ने पेटीएम मॉल में अपनी पूरी 45% हिस्सेदारी बेच दी है। इसका सौदा 42 करोड़ रुपए में हुआ है। ये एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी। स्कूल सर्विस कमीशन नियुक्ति घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों का नाम आने के बाद राज्य में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SSC नियुक्ति घोटाले पर मचे बवाल को लेकर पूर्व की सरकार पर हमला बोला। IPL 2022 में लीग मैच खत्म होने की कगार पर है और प्लेऑफ की दौड़ रोचक हो गई है। लखनऊ के खिलाफ 2 रन से हारने के बाद कोलकाता की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। मुंबई और चेन्नई के बाद कोलकाता प्लेऑफ से बाहर होने वाली 3rd टीम है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर आई है। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। इस्तांबुल में हुए सेमीफाइनल में निखत ने ब्राजील की कैरोलिन डे अल्मीडा को मात दी। हमारा आज का सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।